हाय एवरीवन दिस इज रानिका आज हम बात करने वाले हैं विलो बैथ्स की ये विलो बैथ्स क्या होते हैं और कश्मीर इसके लिए जीआई टैग जम्मू कश्मीर डिमांड कर रहा है तो ये हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और यहाँ पे एक पोल भी जो लेक्चर्स हम पढ़ते हैं इनमें पोल भी करते हैं तो करेक्ट आंसर भी आप वहाँ देख सकते हैं अब देखिए जम्मू कश्मीर में विलो क्रिकेट बैट्स की अगर बात करें तो ये पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है स्पेशली कश्मीर विलो क्रिकेट बैट्स अब विलो क्या होता है ये एक तरह का पेड़ होता है बेंद का या सरपत का पेड़ आप कह लीजिए जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है पानी के पास ये जो प्लांट है पेड़ जो है ये लगता है और अब गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोसेस में है कि हम जोग्रफ़िकल इंडिकेशन चाहते हैं कश्मीरी बैट्स के लिए कोई भी लोग कश्मीर जाते हैं तो बैट ज़रूर खेलते हैं लेते हैं जिन लोगों को खेलने में स्पोर्ट्स में क्रिकेट में इंटरेस्ट रहता है अब रिसेंटली एक स्टडी भी दिखाती है कि अगर जी टैग मिल जाता है तो ये एक ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होगी इन बैट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए क्योंकि जी आई टैग से मार्केट का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाता है कस्टमर्स को फ़ायदा होता है और साथ में जो आर्टिस्ट हैं जो इसको बनाते हैं क्राफ्ट्समैन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है कश्मीर विलो बैट्स टू गेट जी आई टैगिंग मेकरस हेल गवर्नमेंट तो मेकरस ऑब्वियसली खुश हो रहे हैं कि गवर्नमेंट इसके लिए दे आर शॉर्टिंग अ दे वॉन्ट टू सॉर्ट फॉर अ जी आई टैग अब देखिए एक स्टडी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया निर्मला सीतारमन उन्होंने एक स्टडी रिसेंटली रिलीज़ की इंडियन स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के बारे में कि इंडिया की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री कैसी है और हम क्या स्ट्रैटजीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखने के लिए क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा हमारे मार्केट को फ़ायदा होगा तो हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में क्राफ्ट आइटम्स में हर चीज़ में एक्सपोर्ट का पोटेंशियल देखते रहते हैं तो सेम चीज़ हमको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी देखने की जरूरत है और यहाँ पे इस रिपोर्ट से हमको यह पता चलता है कि अभी तक कोई भी रजिस्टर्ड जीआई यहाँ पे जी नहीं है स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में इंडिया की हमारी कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं होती है जो हम बनाते हैं और उसके चलते इन्होंने स्टडी करके ये पता चला कि विलो बैट में ये पोटेंशियल है ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें इतना सिग्निफिकेंस है कि ये बेस्ट क्वालिटी वुड से बनाया जाता है और हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू हमको मिल सकती है अब देखिए कश्मीर में ही टू हंड्रेड बैट मेकिंग फैक्ट्रीज हैं और यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हजारों के ज्यादा आदमी लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं इन इंडस्ट्रीज में और उनका रोज़गार इन फैक्ट्रीज पे डिपेंड करता है अब कोविड की वजह से ये इंडस्ट्री का यू uh, नो you know, एक बुरा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पर पड़ा बिकॉज नए ऑर्डर्स नहीं थे लोगों के पास क्योंकि इंडस्ट्री तभी चलेगी नए ऑर्डर आएंगे नए बैट्स बनाए जाएंगे लोगों का रोज़गार भी चलता रहेगा प्रॉफिट भी कंपनीज फैक्ट्रीज जो हैं वो कमाती रहेंगी लेकिन कोविड हिट बैडली ऑन दिस इंडस्ट्री तो कुछ नए ऑर्डर्स नहीं थे और अब मेकर्स ये सोच रहे हैं कि चलिए अगर जी टैग मिल गया तो काफी रिकवरी इस इंडस्ट्री की हो जाएगी इन फैक्टरीज की हो जाएगी अब जो बैट मेकर्स हैं कश्मीर में वो जी आई टैक का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हेल कर रहे हैं कि इट इज़ अ गुड स्टेप और गवर्नमेंट भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को एट द मोमेंट हेल्प करना चाहती है और कश्मीर विलो को ताकि जो रिकॉग्निशन ये आ, बैट जो है ये डिजर्व करता है कि जो रिकॉग्निशन इसको मिलनी चाहिए वो जी आई टैक के थ्रू ही मिलेगी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बैट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं और एक्चुअली दे आर वे वेरी गुड और बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रहता है इन बैट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्स आर मेड इन कश्मीर तो जितने भी बैट्स हैं ये कश्मीर में बनाए जाते हैं और टैगिंग से इन बैट्स को देश के बाकी हिस्सों में इंटरनेशनल मार्केट्स में भेजा बेचा जा सकता है और अब तो और भी ज़्यादा पोटेंशियल है ऑनलाइन मार्केटिंग का कि ऑनलाइन आप जीआई टैग वाली आइटम को आ, एनलिस्ट कर दीजिए और वहाँ से कस्टमर ट्रस्ट भी आप जीतना शुरू कर दें कि कस्टमर्स को भी विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि ये अच्छी क्वालिटी का बैट है अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है देखिए कश्मीर में अराउंड दो लाख बैट हर महीने हर साल नहीं हर महीने दो लाख बैट्स जो हैं कश्मीर में बनते हैं इन 200 फैक्ट्रीज में अराउंड 200 फैक्ट्रीज हैं और ये बैट्स इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कई बार पिक करते हैं और अगर जीआई टैग मिल जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अगर इन बैट्स से खेलेंगे तो यहाँ पर इसके प्राइस भी इंक्रीज होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा ये जो बैट्स हैं अभी रिसेंटली टू स्पेशली एबल्ड कश्मीरी प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ है ओडीआई बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के लिए उन्होंने बैट्स जो है कश्मीर से खरीदे ये जो विलो बैट्स हैं ये खरीदे गए अब कश्मीर विलो बैट का अगर प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्या है थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ में ये बैट आपको एक अच्छी क्वालिटी में बैट मिल जाता है जबकि जो इंग्लिश बैट्स हैं इंग्लिश विलो बैट्स हैं उनका अगर आप रिटेल प्राइस देखेंगे तो कितना है टू ट्वेंटी डॉलर्स फोर फिफ्टी डॉलर पर बैट इन इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइस है। तो यहां पे हम कश्मीर विलो को भी इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना चाहते हैं अब जी आई टैग ये अभी तक हमने जो बात की ये विलो की बात की है कि विलो बैट का यहाँ पे आपको कर, जी आई टैग मांगा गया है इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर ने एक और चीज के लिए जी आई टैग मांगा है वो है इंडिया का कॉस्टलीस्ट मशरूम जिसको गुच्छी मशरूम कहा जाता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश इन एरियाज़ में गुच्छी मशरूम आपको देखने को मिलेगा ये इसी के साथ मैंने ऐड कर दिया है गुच्छी मशरूम्स जो हैं बहुत ही एक्सपेंसिव मशरूम्स हैं इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं अगर पाँच ग्राम गुच्छी मशरूम भी अगर आप ख़रीदते हैं तो उसका वैल्यू 18,000 रहता है रिसेंटली जैसे सैफरन जम्मू कश्मीर को जीआई टैग मिला गुच्छी मशरूम एक स्पेशल तरह का फंगस है और पेल येलो कलर का होता है वाइट स्टेम पे ये रेस करते हैं उसको लोकली थुनटू कहा जाता है गुच्छी मशरूम को कमर्शियली आप नहीं लगा सकते और बहुत सारी रिसर्च इस चीज़ पे चल रही है क्योंकि देखिए जैसे बाकी के मशरूम्स आप लोग खाते हैं उनको कमर्शियली भी अलग से कल्टीवेट किया जा सकता है लेकिन ये जो गुच्छी मशरूम अगर आप खाएंगे दे आर वेरी टेस्टी वेजिटेबल बहुत टेस्टी मशरूम होता है इसकी सब्जी बनाने के बाद बहुत महंगा भी है बहुत कॉस्टली है जैसे 500 ग्राम ही अठारह हज़ार में बिकेगा लेकिन इसको कमर्शियली आप कल्टीवेट करने का अभी तक कोई स्ट्रैटेजी हमारे पास नहीं आ पाया है ऑल दो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वह चल रही है अब ये कॉनीफर कौ, फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यूजअली बारिशों के बाद ही आपको दिखेंगे या फिर जब कभी फायर लगती है आग लगती है जंगल में उसके बाद ये निकलते हैं और फिर जो गांव वाले हैं इनको कलेक्ट करते हैं काफी मेहनत करते हैं इनको इनको कलेक्ट करने के लिए साफ करते हैं ड्राई करते हैं फिर इनको मार्केट में बेचा जाता है तो क्लस्टर्स में ये लगेंगे डिकेइंग वुड ह्यूमस सॉयल लीव्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे ये पूरे क्लस्टर्स में लगेंगे गुच्छी कशरूम्स को ये चीज़ याद रखिए कमर्शियली नहीं लग सकते क्योंकि इनका नेचर ऑफ जर्मिनेशन बहुत अलग है लो टेम्परेचर सॉइल में ये ग्रो करते हैं और स्पेशली आफ्टर फायर्स ये निकलते हैं उसके साथ साथ इनकी फ्रूटिंग जो है गुच्छी मशरूम को काफ़ी एल्कलाइन कंडीशंस चाहिए जो वुड ऐश को जब हम पानी में मिक्स करते हैं उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी होना चाहिए तभी ये ग्रो करते हैं बट अगर ऐसा नहीं होगा हम वो एप्ट क्वांटिटी नहीं जान पाए अभी तक और बाकी के जो फैक्टर्स हैं इसलिए इसको कल्टीवेट भी नहीं कर पाए हैं तो जम्मू कश्मीर में जी आई टैग अगर आप देखिए कानीशॉल कश्मीर पश्मीना पेपर मैशी वॉलट वुड कार्विंग ख़त्म बंद कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट सेफरन तो ये सब के लिए जी आई टैग की बात होती है ये सब प्रोडक्ट्स हैं जी आई टैग क्या है जोग्राफिकल इंडिकेशन एक टैग है जो कि प्रोडक्ट्स पे यूज किया जाता है मैन मेड एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रीजन जोग्राफिकल लोकेशन इन अ कंट्री यानी कोई भी प्रोडक्ट किसी जगह की वजह से उसमें स्पेशलिटी है ये विलो बैट्स इसलिए फेमस है क्योंकि ये कश्मीर के हैं कश्मीर विलो है इसलिए तो जी आई टैग यहाँ पे देने की बात की जाती है तो यही इसी तरह से हैंडीक्राफ्ट्स पश्मीना शॉल्स पश्मीना कश्मीर का है इसलिए और बाकी जगह भी आप जी आई टैग देखते हैं वो जगह से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको जी आई टैग उनको स्पेशल भी बनाता है इंटेलेक्चुअल uh, प्रॉपर्टी की एक एक्नोलिजमेंट है और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अर इन फ्रॉम अर डेफिनेट टेरिटरी इन इंडिया अब जीआई प्रोटेक्शन की वजह से कोई और प्रोड्यूसर उस चीज़ का मिसयूज नहीं कर सकता कि सपोज़ विलो बैट्स को मिल जाता है तो ये नहीं है कि कोई और विलो किसी और स्टेट में उसको बैट बना के कश्मीर विलो के नाम पे बेचेगा तो मिसयूज़ नहीं किया जा सकता और ऑथेंटिसिटी प्रोडक्ट की बनी रहती है थर्ड पार्टी को यहाँ पे प्रोहिबिशन होती है कि वो जी आई मै का जो डेजिग्नेशन है प्रेजेंटेशन है उसको यूज़ नहीं कर सकती अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ऐड हो गए हैं जी टैग में आप यहाँ पर देख सकते हो इनके बाद भी जो ये आपको पिक्चर में दिख रहा है ये टू का है लेकिन इसके बाद भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जहाँ पर जी टैग्स की बात की है जीआई टैग्स नए-नए जितने भी होते हैं मैं बहुत सारी वीडियोस रिसेंटली भी आपके लिए लेके आई हूँ कि जी जीआई टैग्स की डिमांड है जो मिल चुके हैं तो ये आप देख सकते हैं जीआई टैग इज गिवन एज पर इंडियन कॉपीराइट एक्ट न्यू डिजाइन एक्ट पेटेंट एक्ट जीआई इंडिकेशन प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं बाकी टेलीग्राम पे हाँ, इस एक पोल होगा वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको सही आंसर पता चल जाएगा तो यूजुअली यही होता है जी टैग में कि पहले एप्लीकेशन लगाई जाती है जब एप्लीकेशन लगा दी मोस्ट प्रोबली मिल ही जाता है क्योंकि उसके पीछे आप पूरी उसकी हिस्ट्री रिसर्च उसके साथ अटैच करते हैं कि ये चीज़ यहीं से बिलोंग करती है इसका कोई कंटेंशन किसी और स्टेट किसी और प्लेस के साथ नहीं है तो उस चीज़ से फिर वहाँ के कस्टमर सॉरी जो लोग हैं जो ये काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और कस्टमर्स को भी होगा क्योंकि उनको ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलेगा तो यही था हमारा आज का डिस्कशन जे के पी uh, के भी कोर्सेज़ स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं आप कॉल करके डिटेल्स uh, ले सकते हैं वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट कोर्सेस ई एम भी अवेलेबल है थैंक यू सो मच